Come to see our international online classes. Class 8, subject maths, topic exponent. Hello everyone. Today we will continue chapter 2, exponent. बेटा हमने exponent chapter की exercise 2B के 1 to 7 questions कर ली हैं. आज हम उसके आगे के questions को continue करेंगे. तो हमने last video में law of exponent पढ़े थे. कल हमने उनको रिवाइज भी करा था. तो उन्हीं एक्सपोनेंट्स के रूल्स को यूज कर हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. नाउ ओपन योर मैथ्स बुक. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज बाय व्हाट नंबर should 3 upon 2 minus 3 upon 2 raised to power minus 3 be multiplied. So that product is 9 upon 8 raised to power minus 2. अब हमारा question है By what number should this number be multiplied? वो ये कह रहा है क्वेश्चन में माइनस थ्री अपॉन टू रेज टू पावर माइनस थ्री एक टर्म है. इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आए वो कितना आना चाहिए? नाइन अपॉन एट रेज टू पावर माइनस टू. तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. तो हमने लेट कर लिया. उसने पूछा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम लेट कर लेते हैं. हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट मान लेते हैं दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय x. इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें? x से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आ जाए? 9 upon 8 रेज टू पावर माइनस. ठीक है बेटा. तो हमने क्या करा, उसने पूछा कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 9 upon 8 रेस टू पावर माइनस 2 आ जाए. तो हमने लेट कर लिया कि इसको हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने लेट ही x को करा है. ठीक है, तो हमने x को एज इट इज रख दिया, इक्वल का साइन एज इट इज. अब ये पूरी की पूरी टर्म x से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल के वहां जाकर क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी. तो 9 upon 8 रेस टू पावर माइनस 2 ये तो एज इट इज रहेगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगी. तो डिवाइड करने पर ये आ गई माइनस 3 upon 2 रेस टू पावर माइनस 3. अब ये जो सम बना हमारा, ये जो स्टेटमेंट बनी है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. तो x की वैल्यू निकालेंगे. अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाते हैं. यहाँ 9 upon 8 की पावर माइनस 2 है, नेगेटिव में है, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो बेस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव. डिवाइड एज इट इज. इसी तरह से इस टर्म में भी हम क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और पावर हो गई प्लस 3 लिख दो. लेकिन प्लस लिखने की नीड नहीं है, तो हम 3 लिख देंगे डायरेक्ट. तो ये दोनों जो है टर्म्स वो पावर में, प्लस पावर में चेंज हो गए. इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. 8 upon 9 रेस टू पावर 2 है, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. 8 की पावर 2 है, तो 8 is 64, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81. डिवाइड का साइन एज इट इज. उसके बाद माइनस 2 upon 3 रेस टू पावर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27. ये आ गया हमारा. अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे. 64 upon 81 एज इट इज रहेगा. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और पीछे वाली टर्म का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल, 27 upon 8 आ जाएगा. क्लियर. अब हम माइनस का साइन है एज इट इज रहेगा. अब हम इसको कट करेंगे. 8 ones 8, 8 8 is 64, इसको 9 से कर लीजिए. 9 3 is 9, फिर 3 से कट हो रहा है, 3 3 is 9, तो हमारा आ गया माइनस 8 अपॉन में
इज दैट क्लियर? तो हमारी x की वैल्यू आई माइनस 8 अपॉन में 3, यानी कि इस क्वेश्चन में वो जो पूछ रहा था कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट ये आ जाए, तो इस नंबर को अगर हम माइनस 8 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 8 रेज टू पावर माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 8 की तरह ही है बेटा, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डू योरसेल्फ, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई, माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 9, इस तरह से ब्रैकेट दी हुई है, डिवाइड माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 2, और ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के ला का यूज करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके अंदर देखिए ये दोनों टर्म्स इनके बेस बिल्कुल सेम है, इन दोनों का बेस है माइनस 2 अपॉन 5, तो जो बेस सेम है वो एज इट इज रहेगा, माइनस 2 अपॉन 5 का माइनस 2 अपॉन 5 ही रहेगा बेस। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी, तो हम इनकी पावर्स को एड कर देते हैं, माइनस 7 प्लस 9 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 एज इट इज। अब हम इसको आगे करते हैं, माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 7 प्लस 9 कितना होगा, 2 आ जाएगा, हमने सॉल्व कर दिया कर्ली ब्रैकेट को। इसके बाद यहां पर है माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 और ये भी है माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में क्या करते हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसमें आगे करते हैं, माइनस 2 अपॉन 5 2 माइनस 2 दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 5 की पावर 0। तो मैंने आपको लास्ट एक्सपोनेंट में बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ गया वन। तो इस टर्म को हमने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ गया वन। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज द पावर ऑफ 5, वो कह रहा है अब जो आंसर आया है इस आंसर को हमने 5 की पावर में शो करना है, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि हमने इसको 5 की पावर में शो करना है, तो अगर हम इसको 5 की पावर 1 लिख देंगे क्या वो 1 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 को मैं ये लिख सकती हूँ 5 की पावर 0। मैंने 5 ही क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि आंसर को जो है पावर ऑफ 5 में एक्सप्रेस करना है, तो हमने पावर ऑफ 5 में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 5 रेज टू पावर 0। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है बेटा, अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 8 डिवाइड माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 डिवाइड माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बेटा, यहां पर हमारे को दो स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, एक फर्स्ट ब्रैकेट ये दी हुई है स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट ये दी हुई है, तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को वन बाय वन सोल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3 दोनों टर्म्स के बेस सेम है, बेस सेम है और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी।
तो बेस सेम रहेगा और पावर्स फॉर्म कर देंगे सब्ट्रैक्ट सेम। अब हम सेकंड ब्रैकेट को देखते हैं, इन दोनों में भी बेस सेम है और पावर्स क्या है अलग अलग, और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 माइनस में 3। इसके बाद माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज, 8 माइनस 5 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 अपॉन 3 5 माइनस 3 2। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 है, तो माइनस 1 अपॉन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 27। ये कैसे आएगा बेटा, माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3। उसके बाद माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 अपॉन 3 को, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 27 और माइनस 1 अपॉन 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 27 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 27। तो आगे आपको सॉल्व करने आता है, जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज। यहाँ पर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, तो आ गया माइनस 4 अपॉन में 27। ये माइनस 4 कैसे आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 1 और 3 को प्लस करेंगे 4, और साइन कौन सा लगता है जो ग्रेटर नंबर के आगे होता है, तो ये आ गया माइनस 4 अपॉन 27। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। तो क्वेश्चन 8